हाँ जानते हो इनको? हाँ बैजनाथ मेहता है। क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं सांसद का? अच्छा काम करेंगे? करेंगे। आशीर्वाद यात्रा के दौरान ये अपने क्षेत्र से निकल रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और जो जिस तरीके से इन्होंने पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए बिहार में अभी एनडीए की सरकार बनी है लेकिन फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। फ्लोर टेस्ट से पहले कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बिहार में खेला किसी भी वक्त हो सकता है। जदयू के कई विधायक गायब हैं और हालांकि ये दावा लगातार किया तो जा रहा है लेकिन इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी हो सकती है। फ्लोर टेस्ट से पहले 2024 और 25 के चुनाव से ही अब तैयारियों के मोड में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुट चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलकर बड़ा गेम सेट करने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से आरएलजेडी से कई उम्मीदवारों ने अपने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और उन्हीं में से एक हैं IRS रह चुके बैद्यनाथ मेहता, जिन्होंने अपनी तैयारी सुपौल लोकसभा क्षेत्र से शुरू कर दी है और ठुठी पंचायत जो उनका गृह क्षेत्र भी है वहां से उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। और आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने के साथ बिहार की राजनीति में हड़कंप मचता हुआ दिख रहा है। देखिए किस तरीके से बैद्यनाथ मेहता अपनी तैयारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और उन्होंने जो आशीर्वाद यात्रा निकाला है उस आशीर्वाद यात्रा के पहले दिन जो उन्होंने हुजूम सुपौल के सड़कों पर उतार दिया उस हुजूम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि सुपौल लोकसभा क्षेत्र दिलेश्वर कामत यहां से जदयू के सांसद हैं, उनको बड़ा झटका लगने की संभावनाएं जताई जा सकती हैं। देखिए क्या कुछ हो रहा है तमाम जगहों पर। जब जा रहे हैं बैद्यनाथ मेहता तो नीतीश कुमार के कार्यकाल और बिहार में पिछड़ेपन किसके कारण हो पाया इसको लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रस्तावकों की धरती पर आपका प्यार और समर्थन पाकर मैं अभिभूत हूँ। मुझे जानकारी मिली आप पिछले 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, हम लोगों को निकलने में ही देर हो गई। पहला दिन था यात्रा का और आपने जो समर्थन दिया है, जो प्यार हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, आज इस यात्रा का मकसद क्या है ये आपके मन में जरूर। बिहार की जो स्थिति है, अगर हम इस पर विवेचना करें, चर्चा करें, तो निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय है। और हमारी जो 70% आबादी है जो किसान की है, उनकी स्थिति अगर हम तुलना करें एक छोटे से दुकानदार, चौक चौराहे पर दुकानदार हो, चाय की दुकान हो, किराना दुकान हो, कोई भी दुकान हो, चौक चौराहा का हम दुकान बता रहे हैं, 5 बीघा खेत वाले किसान की तुलना अगर हम एक चौक चौराहे पर छोटी सी दुकान है उससे करें तो निश्चित रूप से जो दुकानदार हैं उनकी स्थिति किसान से अच्छी है या नहीं है। अगर जब ये 70% आबादी बदहाली का जीवन जी रहे हैं,
खुशहाल नहीं है तो बिहार कैसे खुशहाल है। जरूरत है किसान को ताकत देने की, किसान को खुशहाल करने की। हर एक माँ बाप का सपना होता है उसके बच्चे खुशहाल हों, अच्छी जिंदगी जिए, डॉक्टर इंजीनियर बने, सरकारी नौकरी मिले ना तो प्राइवेट भी मिले, लेकिन गरीब और किसान के बच्चे इससे वंचित रहते। उन गरीब किसान मजदूर के बच्चे कैसे कैसे उनके सपने पूरे हो, यही बैजनाथ मेहता का मिशन है। और इस मिशन में आपकी मजबूती से अगर भागीदारी नहीं होगी तो यह मिशन पूरा नहीं होगा। इसलिए हम आह्वान करते हैं आप सभी से, आप हमारे इस मिशन में जोड़िए। समाज में जो जाति धर्म या और भी कई तरह के गठबंधन है, उस तरह की चीजें हैं, उनको भुला कर उस सारे समीकरण को ध्वस्त करके वैद्यनाथ मेहता के इस मिशन में जुड़िए। और अगर ऐसा हो गया तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं, बच्चे हैं, उनके सपने जो है निश्चित रूप से पूरे होंगे। मेहता शब्दों के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करता हूं और आपसे विशेष अनुरोध है कि आप हमारे इस मिशन में जुड़े और जो यात्रा चल रही है आशीर्वाद यात्रा, इसमें आप भाग लें और निश्चित रूप से जब ऐसा होता चला जाएगा तो यह आवाज यहीं तक नहीं रहेगी, सुपौल तक ही यह आवाज नहीं रहेगी, यह पटना भी पहुंचेगी और यह आवाज दिल्ली भी पहुंचेगी। और आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, आपका जो कुटुंब है, उनको संसद भवन जाने से कोई पटी की इस पावन धरती पर हमारे साथ चल रहे सुपौल जिला के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, समर्थक हैं, और इस बनेली पट्टी के जितने भी अभिभावकगण हैं, माता बहने हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सभी का मैं आभार भी प्रकट करता हूं जो आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर कई घंटे से इंतजार करकर यहां हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं इसके लिए आप बहुत बहुत ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जो बहुत कम लोगों को पता होगा, यह मेरा जन्म स्थान भी है। असली जन्म स्थान मेरा यही बनेली पट्टी ही है। हम तो ननिहाल बाद में चले गए ठुठी में, और यहाँ हमारे पिताजी चार भाई थे, तीन भाई यहीं रहते हैं और उनके सभी परिवार यहाँ रहते हैं, तो बनेली पट्टी बेला से हमारा ऐसा संबंध है। और इसलिए जब भी मैं बनेली पट्टी बेला आता हूँ तो हमें लगता है अपनापन है, हर एक गली कुच्ची में हमको पता है, तो हम यहाँ कभी समय बिताए थे, गुजारे थे, तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। और आज जो आपने अपार समर्थन दिया है, यह दर्शाता है जो आप हमें नहीं भूले हैं, और निश्चित रूप से आपको पता है कि हम यहीं के मूल वासी हैं। आप लोग इसी तरह से समर्थन बनाए रखें, जिस मंजिल को पाने के लिए हम लोग चल रहे हैं वह उतना आसान नहीं है,
उसमें आप सबों की भागीदारी होगी, आप सभी का प्यार और समर्थन होगा, तभी उसे पाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ, जो समर्थन और प्यार हमें दे रहे हैं इसे देते रहिए, कायम रखिए, यही हमारी ताकत है। और इस ताकत के आगे बड़ी से बड़ा से बड़ा लक्ष्य भी पाया जाता है, किसी भी चट्टान को हम लोग तोड़ सकते हैं। माता बहने यहाँ बहुत ज्यादा है, कुछ कुटुंब संबंधी लोग भी इधर हैं, हम पहचान पा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी, तो समाज ताकतवर नहीं हो सकता है। और आज इस बनेली पट्टी के धरती पर हमें यह दिख रहा है, यहाँ की महिलाएं बहनें भी बहुत ताकतवर है, जोश खरोश जुनून में। इसलिए महिला शक्ति को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। साथियों, यह नेपाल के पास सटा हुआ गांव है, इसके बाद नेपाल ही है। मीडिया के बंधु को मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके जस्ट बाद नेपाल है, दूसरा कोई गांव नहीं है। और यहाँ की बड़ी समस्याएं भी हैं। यहाँ की कई क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं। विगत कुछ महीने में मुझे जानकारी मिली, जो यहाँ ज्यादातर तो किसान ही हैं, और उनका जो पैदावार है, सब्जी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और नेपाल में उसको ले जाने से रोका जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा है। मुझे जानकारी है इस बात की। निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा, हम वैसे पदाधिकारी से मिलेंगे भी। और हम चाहते हैं जो बीरपुर में कि इतना बड़ा मंडी खोल दिया जाए, इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं सबका साग सब्जी वहां जाएगा, और भारत के कोने कोने से लोग वहां आएंगे खरीदने के लिए, और उसको किसान को अपने साग सब्जी का उचित दाम मिलेगा, इसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से आप अपना समर्थन बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और युवा साथी जितने हैं, नौजवान साथी, आप इसी तरह से अपना जोश जुनून जज्बा बनाए रखिए, ताकि जो लड़ाई है उस लड़ाई को जब तक हम जीत नहीं लेंगे, हम दम नहीं देंगे। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जानते हो इनको? हाँ, बैजनाथ मेहता। क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं सांसद का? अच्छा काम करेंगे? करेंगे, यस सर। दिलखुश कुमार, इसका इंतजार कर रहा हूँ, अभिनेता का, नेता जी का। चलिए, देखिए बच्चे बच्चियां हैं, और देखिए किस तरीके से बैजनाथ मेहता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। किस तरीके से बैजनाथ मेहता अपने प्रशंसकों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरों को, गली गली से आती आवाज। हेलो साथियों, आप सभी ने माननीय नेता भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी श्रीमान बैजनाथ मेहता जी के सम्मान में घंटों से यहाँ उपस्थित है। हमें खेद है, सहयोग से हम सभी जुड़ते हैं, लेकिन आप सभी जिस उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और माननीय नेता गगन जोर जिसे स्वागत कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को हमारी पूरी टीम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। साथियों, भारतीय सेवा भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी 7 वर्षों की सेवा को प्रत्यय कर आप सबों के सम्मान के लिए सुपौल लोकसभा से मैदान में कूद चुके हैं, और मैं आप सबों का आश्वस्त करता हूँ, इधर से किधर इसी तरह से मिलता है, तो आने वाले समय में सुपौल लोकसभा से अगर कोई चट्टान भी आ जाए, तो किसी भी परिस्थिति में हम
लोग पीछे नहीं आएंगे और आप सबों के सम्मान के लिए बैद्यनाथ बाबू कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। कई सौ की संख्या में थी और उन सबका समर्थन हमें प्राप्त है और आज जो आप हमारे लिए घंटों तक इंतजार करके यहाँ अभी भी मौजूद हैं, रात के लगभग 7:30 बज गए हैं इस ठंड में भी, इसके लिए आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही आपकी जो समस्याएं भी होंगी, कुछ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन जो भी जीविका दीदी है वह जो समाज में काम कर रही है, एक समूह में कई सदस्य होते हैं और उनको जब पैसे की जरूरत होती है तो सभी समूह के लोग उसमें जमा करते हैं, फिर जरूरतमंद को देते हैं, इस तरह से काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारी माता बहने हैं उनको भी पहले था जो खाना बनाने के अलावा रसोई के अलावा और कोई ज्यादा काम नहीं था, खेत खलिहान में काम करती थी, मवेशी के लिए चारा का व्यवस्था करती थी, खिलाती थी, यही काम ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए लोग जानते हैं। लेकिन जब से ये व्यवस्था हुई है तो हर एक गाँव में लगता है 10-15 ऐसे समूह है जिस समूह में लगभग 30 लोग होते हैं ना, कितने 10 लोग होते हैं, तो सैकड़ों महिलाएं जो है इनसे जुड़ गई है। और पहले जो ब्याज पर पैसा चलता था 10 टकिया ब्याज, उससे मुक्ति मिल गई है। लेकिन हमें लगता है ये जो एक रास्ता था जो आप इसमें जुड़ गए, आप से स्वावलंबी हो गए, आप भी अपने पैरों पर खड़े हो गए, इसमें अगर एक चीज हम लोग और कर दें जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसको लघु उद्योग बोलते हैं, ऐसा उद्योग जो घर से ही चलाया जा सकता है, आपके घर में वो चीज हो सकती है जैसे मोमबत्ती बनाना, ज्यादा पैसे नहीं लगते इस उद्योग को लगाने में, 1-2 लाख रुपया 50,000 उसमें तो चल जाता है, अगरबत्ती बनाना, ये सब छोटे छोटे उद्योग से भी अगर जोड़ दिए जाए तो माता पूर्णा महिलाओं के पास जो समय है खेती के अलावा, खेती के काम के अलावा जब भी समय मिलेगा खाना बनाएंगी, बच्चे को भी देखभाल करना है, खेती बाड़ी, लेकिन जब भी 2-4 घंटा दिन में मिल जाए उस काम में जब लग जाइए तो उससे भी कुछ आमदनी बढ़ेगी। और मेरा मानना है अगर बिहार को खुशहाल करना है तो आधी आबादी जो है नारी शक्ति उसको और सशक्त करना होगा, उनको और ताकत देनी पड़ेगी, उनको और बल देना पड़ेगा, और वह भी जब अर्जन करने लगे, पैसे कमाने लगे तो निश्चित रूप से बिहार के खुशहाल होने में एक थोड़ी सी भागीदारी यह भी है। और भी कई उपाय हैं, युवा साथी हैं, लोग तो काम रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी चाकरी नहीं मिलती है, सरकारी प्राइवेट कुछ भी दूसरे प्रदेश चले जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन बहुत ऐसे युवक हैं जो पढ़ लिख करके बहुत पढ़ाई कर लिए, उनको कोई काम रोजगार नहीं है, यही कहते हैं वो भी इस उद्योग धंधे को चला सकते हैं। तो हमें लगता है जो युवा शक्ति जो हमारी ताकत है, महिलाएं जो हमारी ताकत है, किसान जो हमारी ताकत है, और बिहार की अगर ताकत की बात करें तो बिहार की ताकत जो है मानव शक्ति है, यहाँ मानव शक्ति है, युवा बहुत है, 35 साल से कम उम्र के लगभग 60% आबादी है, इतनी बड़ी तादाद है। और बिहारी बिहार के लोगों के बारे में एक बात है, ये कामचोर नहीं होते, बिहारी से ज्यादा न्यूनति भारत क्या दुनिया के किसी भी देश में किसी भी राज्य में नहीं होते हैं, और बिहारी का लोग लोहा इसलिए मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने मेहनती हैं, ईटा पत्थर भी दिन रात ढोते हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर क्या करते हैं, विशेष करके मजदूर पढ़ाई लिखाई और
तादाद है लेकिन कम है, लेकिन जो 2 करोड़ लगभग मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं, उसमें लगभग 90% 80% लोग मकान से संबंधित काम करते हैं। कोई ईटा जोड़ता है, कोई प्लास्टर करता है, पीओपी करता है, रंग पेंट करता है, प्लम्बर का काम है, यही सब जो है अनस्किल्ड काम उसको बोलते हैं, वही काम करते हैं। और उस काम को करकर वो कमाते क्या है, 3 भर कड़ी मेहनत करते हैं और कमाने के नाम पर 500-600 रुपया मजदूरी मिलता है, ये स्थिति है। मेरा मानना है कि महीना का हो गया, मान लीजिए 500 कमा ले 15,000 हो गया, 5-6,000 वहां रहने खाना खर्चा वो भी लगता है, 8-9,000 से ज्यादा वो बचा नहीं पाते हैं पंजाब से ले जाकर के। लेकिन यही लोग जब 25-30,000 कमाने लगेंगे, वही पैसा जब बिहार आएगा तो बिहार खुशहाल होगा या नहीं होगा बताइए, खुशहाल होगा। अब करना क्या है, इस 2 करोड़ की आबादी जो है जो मजदूरी करने के लिए विवश है, अपने परिवार को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर पंजाब दिल्ली चले जाते हैं कमाने के लिए, साल भर के बाद आते हैं। कई घटना तो हमने ये देखा, हमारे परिचित है, बड़े धूमधाम से शादी हुई, पिता का ब्याह हुआ और शादी के 4 दिन के बाद ही जब कर कुटुम आए हुए थे वो चले गए अपने अपने घर, अपनी नव विवाहिता पत्नी को छोड़ करके पंजाब कमाने चला गया। अब आप बताइए उस पति पर, उस लड़के पर जिसने शादी अभी अभी की है, उस पर क्या गुजरता होगा, और उस लड़की पर जिसको शादी करके लाया है और वो 4 दिन के बाद अगर उसका पति पेट भरने के लिए, रोजी रोटी के लिए अगर दूसरे प्रदेश चला जाता है, उन पर क्या बीतता होगा, इसको आप सोच करके ही आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। यह स्थिति हमारे बिहार की है। बिहार में तो मानो मजदूर की फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री यहां नहीं चल रही है, एकमात्र फैक्ट्री यहां जो चल रही है वह मजदूर बनाने की फैक्ट्री चल रही है। और हमें कभी कभी लगता है कि इन लोगों ने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है दूसरे प्रदेश के फैक्ट्री मालिकों का। आप चिंता मत करना, मैं ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाऊंगा जहां से केवल मजदूर ही पैदा होंगे और आपके फैक्ट्री में, आपके प्रदेश में जो फैक्ट्रियां हैं वहां मजदूर की कमी नहीं होने देंगे। शासन किस तरह से संपन्न है, इनसे निजात कैसे मिले, कैसे बीमार खुशहाल होगा, कैसे गरीब मजदूर किसान के बच्चों के सपने पूरे होंगे, इन्हीं सब खुशियों के लिए मैंने अपने 7 साल की IRS की नौकरी को जो बची हुई थी उसको छोड़ करके आए हैं। और आप सभी से आह्वान करते हैं कि आप सभी हमारे इस मिशन में जुड़िए। सुपोल को कैसे खुशहाल बनाना है, किसान कैसे खुशहाल होंगे, मजदूर कैसे खुशहाल होंगे, पलायन कैसे रुकेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी, इस मुहिम में जुड़िए। खुशहाल सुपोल और खुशहाल बिहार बनाने की मुहिम में जुड़िए, यही हम आपको आह्वान करते हैं। साथियों, वैद्यनाथ मेहता का अपना कोई सपना नहीं है, अब मेरे जो सपने हैं वही सपने हैं जो किसान के हैं, मजदूर के हैं, गरीब के हैं और युवा नौजवान के हैं। और इन सपनों को कैसे पूरा किया जाए उसी लड़ाई के लिए हम आपके बीच आए हैं और आपका समर्थन करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।